हेलो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से हम कंट्रोलर को रजिस्टर करना था, यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना था। हमने यूजर्स कंट्रोलर बनाया था पहले वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो पार्ट फाइव में, पार्ट फाइव जो आपने देखा था लेटरल राउट। तो यहाँ हम इसको जैसे इंडेक्स कंट्रोलर था पहले से, हम इसी के नीचे यहाँ कॉपी पेस्ट हम करेंगे और यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसको। जब भी आप नया कंट्रोलर बनाएंगे आपको यहीं उसको कॉन्फ़िगर करना है, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर जो एरे दी है कंट्रोलर नाम की। और इस अब देखिए यहाँ हमने रिफ्रेश किया और ये अब ये कोड चल गया है, मतलब ये व्यू रजिस्टर वाला व्यू जो है लोड हो गया है। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा पार्ट फाइव में ये लोड नहीं हो रहा था क्योंकि हमने कंट्रोलर को कॉन्फिगर नहीं किया था। तो इसको हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जिससे हम जो लेआउट PHTML है उसमें हम लिंक को आगे बढ़ा लेते हैं, एक लिंक और यहाँ डाल देते हैं। और URL के अंदर हम यहाँ पास कराएंगे जो राउट हमने डिफाइन किया था, राउट का नाम था रजिस्टर, हमने रजिस्टर नाम से एक राउट डिफाइन किया था उसको हम यहाँ पास कराएंगे URL फंक्शन में। तो और यहाँ हम शो कराएंगे रजिस्टर, जब लिंक पे रजिस्टर शो होगा वो हम यहाँ कराएंगे। तो जैसे ही हम इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो जो हमने राउट डिफाइन किया था वो हमने यहाँ पास करा दिया है। तो उस राउट में, उसमें हमने राउट में हमने दिया था यूजर्स रजिस्टर, इस तरह से हमने दिया था, देखते हैं चेक करेंगे अभी। तो यहाँ हमने इंडेक्स में हमने डैशबोर्ड बनाया था और इस तरह से, चलिए देखते हैं एक कंट्रोलर हम और बना लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और पोस्ट नाम का एक कंट्रोलर हम बनाएंगे। तो ये कंट्रोलर बनेगा कंट्रोलर, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और अब हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर SRC फोल्डर में और SRC के अंदर है कंट्रोलर फोल्डर, यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाएंगे पोस्ट नाम का, यहाँ भी हम इसमें फंक्शन बनाएंगे। तो जो लास्ट वीडियो था पार्ट फाइव आपने देखा होगा लिटरल राउट पार्ट फाइव, उसमें हमने यूजर्स कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर नहीं किया था, यहाँ हमने कर दिया है और वो यूजर्स कंट्रोलर ठीक से काम करेगा। और इसी तरह से पोस्ट कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं और इस पोस्ट कंट्रोलर को भी हमें इसी तरह से करना होगा सेम। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और यहाँ हमने यहाँ हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, पोस्ट नाम का कंट्रोलर है तो हम पोस्ट नाम से बनाएंगे और यहाँ हमने एक एक्शन रख दिया इंडेक्स। तो इस तरह से सेम प्रोसेस है, आप लोग समझ ही गए होंगे, इतना तो आप कर चुके होंगे पहले भी कि जो इसमें एक्शन बनाए जाते हैं, आप जो फंक्शन बनाते हैं उस नाम की व्यू फाइल भी होनी चाहिए और जिस नाम का कंट्रोलर है उस नाम का एक फोल्डर हम बना लेते हैं व्यू फोल्डर के अंदर। और जैसे यहाँ ब्लॉग नाम का हमने बनाया है, ब्लॉग नाम का कंट्रोलर बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम ब्लॉग नाम का एक कंट्रोलर हम बना लेते हैं और यहाँ हम कोई सा कंट्रोलर बना सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, ब्लॉग हो या पोस्ट नाम से हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर, यहाँ अगर हमने बनाया है ब्लॉग नाम का, तो ब्लॉग नाम से बना लेते हैं, ठीक है, ब्लॉग नाम का कंट्रोलर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ब्लॉग नाम से ही हमें एक फोल्डर बनाना होगा और यहाँ हम दे देते हैं आर्टिकल्स, एक फंक्शन आर्टिकल्स बना लेते हैं यहाँ पर। और ठीक, इसको भी हम आर्टिकल्स और यहाँ ले लीजिए, चले आर्टिकल्स ही ले लीजिए। और इसको भी हमें राउट को भी हमें डिफाइन करना होगा, इसके लिए एक राउट डिफाइन करना होगा, सेम वही प्रोसेस है। तो लिटरल कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, लिटरल राउट का कॉन्सेप्ट कि हमें अलग अलग एक स्पेसिफाइड URL अगर हमें देना होता है या राउट बनाना होता है तो अलग अलग हम बनाएंगे, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग राउट बनता है, राउट डिफाइन होते हैं। यहाँ देखिए हम यहाँ हमें ब्लॉग जो कंट्रोलर बनाया हमें यहाँ पर फैक्ट्रीज के एरे के अंदर पास कराना होगा, तो यहाँ पास कराना ज़रूरी होता है। तो यह हमने बना लिया, ठीक है। अब एक राउट हम डिफाइन करेंगे और एक फाइल बनाएंगे हम आर्टिकल्स की, और राउट चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे
यहाँ हम लिटरल पढ़ें, अब सेगमेंट राउट पढ़ेंगे जिसमें छोटा सा कोड लिखेंगे, उसी से हम सारे फंक्शन हैंडल करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब राउट का, सबसे पहले राउट का नाम देना है, जो आप यहाँ हमने ब्लॉग नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको वहाँ लिंक में देना होता है, पास कराना होता है यूआरएल में, जैसे पीएचटी एमएल फाइल में कराते हैं। और यहाँ राउट जो डिफाइन करेंगे स्लैश आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में भी हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको मैच कराना होता है ब्राउज़र में, ब्राउज़र के यूआरएल में जो भी मैच कराएंगे वो वहाँ आप लिखेंगे। जब दोनों मैच हो जाएंगे तब आगे जो आपने कंट्रोलर दिया है और वो कॉल होगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो आपने दिया। तो यहाँ हमने लिखा आर्टिकल्स, तो इसने भी काम नहीं किया है, देखते हैं शायद अभी हमने एक यहाँ हमने शायद उसमें अभी फाइल नहीं बनाई है। तो हम जाएंगे व्यूज़ में, फिर एप्लीकेशन फोल्डर में, और उसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, ब्लॉग नाम का फोल्डर लेंगे हम, और इस ब्लॉग नाम के फोल्डर में इसमें जितने भी फंक्शन बनाएंगे ब्लॉग कंट्रोलर में उसकी यहाँ फाइल रखेंगे। तो हम एक बना लेते हैं, यहाँ एक PHTML फाइल बना लेते हैं जिसमें हमारा HTML होगा। तो यहाँ .PHTML से हम सेव कर लेंगे इस व्यू को, और आर्टिकल्स के बारे में यहाँ लिख देंगे, जिससे हमें व्यू होगा तो पता चल जाएगा कि ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ हम पढ़े लिटरल जो राउट्स डिफाइन कर रहे हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो लिटरल होता है लिटरल राउट और एक होता है सेगमेंट। तो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं लिटरल। तो अलग अलग यूआरएल के लिए हमें अलग अलग लिटरल को डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आपने एक कंट्रोलर में कई सारे फंक्शन है और उनको अलग अलग, आप जब कॉल करा के अगर फाइल को लोड कराना चाहेंगे, यूआरएल देना चाहेंगे, तो उनके अलग अलग जो राउट होते हैं वो अलग अलग ही हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। लेकिन सेगमेंट में ऐसा नहीं होता, सेगमेंट में एक ही राउट आप डिफाइन करेंगे, उसी से सारे जितने भी जो फंक्शन है उस कंट्रोलर के वो हैंडल कर सकते हैं। तो अब इसमें यहाँ देख लीजिए, ब्लॉग नाम का एक आपने यहाँ ब्लॉग नाम दिया है, राउट का नाम होता है ये। जब आप PHTML फाइल में जब आप लिंक लगाएंगे, URL फंक्शन में जब पास कराएंगे तो ये कराएंगे, और इसी नाम से सब कुछ चलेगा। जैसे आप ये वहाँ लिखेंगे आप ये, ठीक है, राउट का नाम, तो वो इसके अंदर जो राउट डिफाइन है जैसे स्लैश आर्टिकल से, तो खुद ऑटोमेटिकली वहाँ ले लेगा। अब यहाँ हमने देखो ब्लॉक कंट्रोलर ले दिया है, क्योंकि ब्लॉक कंट्रोलर का नाम नहीं लिखा था पहले। अब यहाँ देख सकते हैं हमने आर्टिकल्स लिखा, और ये यहाँ देखिए व्यू फाइल यहाँ रेंडर हो गई है। तो ये लिटरल राउट्स होते हैं जो हमें अलग अलग डिफाइन करने पड़ते अलग अलग यूआरएल के लिए, कह सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन कॉल कराने हो तो उसके लिए अलग अलग। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर एक जैसे रजिस्टर का बनाया था, ऐसे ही हम यहाँ पर एक लिंक लेंगे, और इसी तरह फिर ठीक इसी तरह जैसे पहले हमने अभी किया रजिस्टर डैशबोर्ड होम किया हुआ है, इसी तरह से हम एक जो राउट आपने बनाया था उस राउट का नाम यहाँ पास करेंगे। जो यूआरएल फंक्शन है इसमें राउट का नाम पास करेंगे जो आपने वहाँ दिया था, और ये जो लिख रहे हैं ये शो होगा, ये टेक्स्ट लिख देते हैं आर्टिकल जो शो होगा, PHTML फाइल जब चलेगी रन होगी तो यहाँ शो होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम देखिए हम अलग अलग ये देखिए हमने आर्टिकल्स पर जैसे ही क्लिक किया टेक्स्ट पर, तो उसमें आपने पास कराया था आर्टिकल्स राउट का नाम। तो जैसे ही वो राउट पर क्लिक हुआ उस राउट के नाम से वो जो आपने राउट उसमें डिफाइन किया था स्लैश आर्टिकल्स वो ब्राउज़र पर आ जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से हमें कंट्रोलर को यहाँ कॉन्फ़िगर करना होता है, और ये राउट्स हैं। तो इस तरह से यहाँ अब देखिए यहाँ क्या होता है कि आप चाहे तो आप कुछ भी यहाँ अपने जो भी आप कराना चाहें वो करा सकते हैं। जैसे हमने चाह रहे कि हम यहाँ ब्लॉग लिखा जाए, और ब्लॉग जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ ब्लॉग लिख के जिससे हमें पता चल जाए कि ब्लॉग कंट्रोलर यूज हो रहा है या ब्लॉग में हमें काम कर रहे हैं, और उसके बाद एक्शन आए, तो हम उसके लिए काम करने जा रहे हैं कुछ नया। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ब्लॉग लिखा है तो स्लैश से पहले हम ब्लॉग हम आर्टिकल से पहले ब्लॉग यहाँ टेक्स्ट यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम स्लैश लाएंगे। अब जो राउट है आर्टिकल्स राउट है, तो उस वो अब राउट चेंज हो गया, अब यहाँ पर हमें मैच कराना होगा ब्लॉग स्लैश आर्टिकल्स। अगर ये मैच कर जाता है राउट, देखिए अभी यहाँ आर्टिकल्स लिखा, अभी ब्लॉग आपने नहीं लगाया, तो ये पूरा का पूरा जो राउट आप लिख रहे हैं ब्लॉग स्लैश आर्टिकल्स, ये आप जो राउट डिफाइन किया वहाँ से मैच हो जाना चाहिए। देखिए मैच हो चुका है, और जैसे ही मैच हुआ तो उसमें जो आपने कंट्रोलर दिया था और उस वो कंट्रोलर में जो एक्शन दिया था वो कॉल हो गया। देखिए रजिस्टर पर हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए अभी यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस तरह से आए, ठीक है। तो
हम वहाँ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिफेंड है क्या करते हैं हम, या यूजर लिखना पड़ेगा हमें और या रजिस्टर। तो ठीक, आप जब ब्राउजर पर यूआरएल में जब आप ये यूआरएल देंगे तो सेम यूआरएल होना चाहिए, तभी वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, कोड नहीं चलेगा। तो अब ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो राउट नेम क्या होता है, वो अलग होता है। राउट का नाम जो आपने डिफाइन किया स्टार्टिंग में पहली लाइन में, वो अलग चीज़ है। और उसके बाद ब्राउजर पर क्या आपने यूआरएल पर क्या मैच कराना है, वो राउट के राउट में आता है। और उसके बाद ऑप्शंस में कौन सा कंट्रोलर कौन सा एक्शन आपको कराना, देखिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप ब्राउजर पर देख पा रहे हैं। अब आपको ऊपर टाइप करने की जरूरत नहीं, जैसे यूआरएल में आपको बार बार खुद टाइप कर रहे थे आप, उसकी जरूरत नहीं। आप सिर्फ आप क्लिक करना है, क्योंकि आप लिंक दे चुके हैं और लिंक में आपने राउट का नाम पास करा चुके हैं, और उस जो राउट का नाम दिया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपने URL दिया था उसमें सेट किया था आपने राउट पर, तो वो यहाँ मैच हो जा रहा है। और मैच होने के बाद आगे वो उसी के व्यू फाइल को यहाँ लोड कर रहा है। तो इस तरह से आपने देखा लिटरल राउट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये रजिस्टर्ड लिखा है, तो ये रजिस्टर जो है दरअसल यहाँ राउट का नाम है, ठीक है, वो राउट का नाम है। आपने राउट का नाम जैसे ही पास कराते हैं, जैसे यहाँ रजिस्टर है, ये राउट का नाम आपने वहाँ दे दिया, और जैसे ही वो आप वहाँ क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से मैच करता है। जो आपने राउट डिफाइन किया है वो राउट का नाम है रजिस्टर, और यहाँ आपने राउट डिफाइन किया है, URL डिफाइन किया है, तो जैसे ही वो URL अब ये यहाँ ये राउट का नाम है, तो यूजर जैसे ही इस पर क्लिक करता है PHTML फाइल पर, तो राउट का नाम जो होता है वो आप समझ लीजिए कि वहाँ क्लिक कर रहे, उसके अंदर की जो कोड है वो उससे मैच करता है, URL से मैच करेगा, और मैच हो जाएगा तो वो स्पेसिफाइड जो कंट्रोलर है वो कॉल हो जाता है। तो अब ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल आर्टिकल, आपने यहाँ URL में पास कराया राउट का नाम। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ मैंने मीनिंगफुल लिया है, जिससे मीनिंग से पता चल जाए आर्टिकल्स में काम कर रहा हूँ। और यहाँ भी कुछ भी राउट डिफाइन कर सकते हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप कुछ भी शो कराना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ चल सकता है। और इस तरह से दोस्तों आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आगे देखते जाइए। हम बहुत सारे वीडियोस में इसी बारीकी से मैं बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। काफ़ी वीडियोस, इतने ज़्यादा गहराई से वीडियोस शायद मैंने नहीं देखा अभी कोई राउटिंग पर, लेकिन मैं इसलिए स्पेशल बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो इसी तरह से बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ये नहीं कि वीडियो देखें, अब ये घर बैठ कर आप प्रैक्टिस कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, इतना टाइम आपने निकाला।